हेलो फ्रेंड, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स में बोला था कि आज़म भाई हमें पढ़िन के बारे में, यानी कि लाछी, यानी कि कैटफिश, आप और किसी भाषा में बोलते हो तो मल्ली और वेलगो, ये हम जगह पे आए हैं अभी, बहुत अच्छी जगह है। तो कैटफिश के लिए सबसे अच्छी जगह ये ऐसी होती है, तो आप देख सकते हैं जो पत्थर होते हैं ना, उन जगहों पे आप पत्थरों की जगह पे जगह ढूंढें, और दूसरी बात जितना हो सके उतनी घिरी हुई जगह देखें, यानी कि आप जगह देख सकते हैं घिरी हुई, यानी कि वहाँ पर पानी कम हो और सूख गया हो गर्मी के अंदर, तो वहाँ पर बहुत जल्दी मच्छी लगती है वो वाली, और ये सबसे ज़्यादा होती है अपने पत्थरों के अंदर। तो आप ये इस तरीके से पत्थर देख सकते हैं, दिख रहे हैं आपको, तो ये पत्थरों के अंदर ज़्यादा होती है, और उसके लिए सबसे अच्छे बेस्ट ल्यूर जो होते हैं वो होता है स्पून और स्पिनर, और बढ़िया कंपनी का स्पिनर लें आप और बढ़िया वाला स्पून लें, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, क्योंकि लोकल स्पिनर चलाने से आपको कम 20-25 कास्टिंग करनी पड़ेगी और तब जाके आपको एक बार रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन अगर कंपनी का स्पिनर चलाया आपने तो मैं बता रहा हूँ कि 5 बार फेंकोगे आप और एक बार में रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जगह अच्छी होना चाहिए, टाइम अच्छा होना चाहिए, और स्पिनर और स्पून अच्छा होना चाहिए, यानी कि ब्रांडेड कंपनी का। आइए हम देखते हैं, मेरी वीडियो शुरू करते हैं और हम चेक करते हैं अब कि क्या लगता है हमारे, और मुझे लगता है कि अभी मछली लग जाएगी। तो भाइयों, हम अब शुरू करने वाले हैं हमारी फिशिंग, और आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है मैप्स का ओरिजिनल मेड इन फ्रांस का स्पिनर है, और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट होते हैं इसके, बहुत ही बेहतरीन, इतने बेहतरीन के बस क्या बताऊँ, इसकी तारीफ़ करो जितनी कम है। ओरिजिनल मैप्स का है ये, वर्ल्ड का नंबर वन स्पिनर है ये, वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप जाके ये स्पिनर चलाइए और आपको कोई सी भी मछली इस पर लग जाएगी, इतना बेहतरीन स्पिनर होता है ये। तो अब शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो, अब देखते हैं हम के कैसे लगती है हमारे मछली। थोड़ा सा पानी है यहाँ पर, और क्या बात है, बहुत बेहतरीन स्पॉट है। मैं यहाँ पर आज ही आया हूँ, और मैं यहाँ पर शायद चेक करने भी आया हूँ कि भाई मछलियाँ है भी कि नहीं है, है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर देखो भाग रही हैं, और जहाँ पर छोटी मछलियाँ होती है ना खेलती है, तो वहाँ पर बड़ी पड़िन होती है, यानी कि लाची और कैटफिश। ये देखो कितनी अच्छी भाग रही है यहाँ पर, देखिए, ये देखिए छोटी छोटी मछली भाग रही है, देखो, तो बहुत अच्छी लगती है। और पत्थरों की जगह पे आप अगर ऐसी जगह रहती है तो जो पत्थर होते हैं ना ये किनारों पे, तो इन पत्थरों के पास में आप डालो, ऊंडे में लास्ट में डालो, फर्स्ट में यहाँ डालो। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो, थोड़ा सा कम ध्यान रखें, थोड़ा सा ड्रैग को ढीला रखें, ड्रैग ढीला रखने से मछली छूटती नहीं है। और थोड़ा ऊपर ही चलाएं स्पिनर को, कम पानी हो तो, क्योंकि कम पानी में उलझ सकता है अपना स्पिनर। अगर ऐसी जगह मिले आपको, और ये ध्यान रखें कि हमेशा ज़्यादातर मछली जो डैम होते हैं उसके जस्ट नीचे का जो गड्ढा होता है ना, उसमें ज़्यादातर मछलियाँ घिरी हुई होती है और जल्दी लग भी जाती है। देखो, मछली पकड़ने का तरीका तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो सबसे जल्दी मछली लगाए, यानी कि कम टाइम में मछली लग जाए, वही तरीका सबसे अच्छा होता है। वरना आप टाइम ख़राब करो, दिन भर बैठे हो और एक मछली मार रहे हो, तो मुश्किल नहीं, मतलब बहुत बड़ा काम आपने कर नहीं दिया है एक मछली मार कर। आप तो आइए और जस्ट नाओ मछली पकड़िए, जब है मज़ा आपको। शायद मेरे ख्याल से मछली है नहीं यहाँ पर, तो इतनी सी देर में ये मछलियाँ चेक हो जाती है, 2-5-10 बार आप फेंकें एक स्पॉट पे और फिर वहाँ से दूसरी जगह जाएं। यूं नहीं कि मतलब आप फेंके जा रहे हो एक ही जगह पे, और एक ही जगह पे फेंकने से आप भी थक जाओगे और मछली भी नहीं लगेगी, इसलिए मछली अगर होती है तो फर्स्ट कास्टिंग में या 2-3 कास्टिंग में लग जाती है, है ना। तो आप देख सकते हैं, मैंने अब ये चेक कर चुका हूँ मैं जगह, अब मेरे को यहाँ से जाना होगा, यानी कि पीछे की तरफ,
नहीं तो फिर अपन को जगह चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मछलियों के लिए मछली के घर में जाके अगर मछली को पकड़ोगे तो बेहतर है, वरना आप एक जगह खड़े होकर और मछली का इंतज़ार करोगे तो बेकार है। उस जगह पर खड़े होकर मछली मारना जहाँ पर मछली को आप सोच रहे हो कि मछली आएगी अपने पास, नहीं, मछली के घर में जाओ और मछली के घर में घुसकर मछली को मारो। अब हमारा ये पूरा एरिया चेक हो चुका है, यानी कि अब यहाँ पर कोई मछली नहीं है। अब चेंज करेंगे हम हमारा स्पिनर और अब हम लगाएंगे ये यहाँ पर हमारा स्पून, ये हमारा स्पून है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर हमारा स्पून, ये देख सकते हैं आप स्पून। हमने स्पिनर को हटा दिया है क्योंकि कम पानी होता है वहाँ पर, स्पिनर चलाता हूँ मैं, और जहाँ पर थोड़ा सा डीप होता है वहाँ पर मैं चम्मच चलाता हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी हम चेंज कर चुके हैं, हमारा स्पून लगा चुके हैं हम। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलते हैं हमें। ये देखिए हमारा आज का शिकार, आज का पहला शिकार। और वो भी स्पून से, देखिए बेहतरीन शिकार, लाजवाब शिकार, ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमने मारा है स्पून से, बेहतरीन शिकार और बहुत बढ़िया साइज। ये हमारा दूसरा शिकार, देख सकते हैं आप। और ये हमने करा है स्पून से, ये देख सकते हैं ये हमने स्पून से करा है। और आपको मैंने बोला है कि स्पून भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट रखता है, और स्पिनर ये वाली मछली पकड़ने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब दो शिकार हो चुके हैं, ये देख सकते हैं हमने भी ये चेंज कर चुके हैं स्पिनर। ये पत्थरों के आप फेंको, पास में फेंको, और पत्थरों के आसपास ही कैटफिश रहती है ज़्यादातर। और सुबह सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है कैटफिश के लिए। स्पिनर भी थोड़ा आराम से बिल्कुल स्लोली स्लोली चलाओ, लेकिन ध्यान रखें स्पिनर के अंदर का वेट हो, वजन हो, तो फिर आप कम पानी में थोड़ा हिसाब किताब से चलाएं, वरना आपका उलझ भी सकता है। राड़ को अपने सीने की सीत में रखें, अगर थोड़ा नीचे करा आपने तो स्पिनर ज़्यादा नीचे जाएगा और फिर आपका वो उलझ सकता है स्पिनर। लेकिन अभी मेरे को मज़ा आता है थोड़ा कम पानी में चलाने में, क्योंकि मछली जल्दी से लग जाती है। और मैं जितना हो सके उतना ऐसा करता हूँ कि मछली जल्दी से जल्दी लगे, अपना टाइम भी ज़्यादा ख़राब नहीं हो। अब हम यहाँ सामने की तरफ फेंकेंगे, थोड़ा सा मैं डुबा के लेके आऊँगा
स्पिनर को, क्योंकि आगे ऊंडा है और साइड में तो वैसे ही फंजी है। और ये भी ध्यान रखें कि अपना ड्रेक को थोड़ा ढीला ही रखें, क्योंकि जब बड़ी मछली लगेगी ना तो आपको वो ड्रेक ढीला करने का टाइम भी नहीं देगी और वो पत्थरों पर घुसेगी और उससे वो छूट सकती है। यहाँ पर भी मैंने अच्छी खासी मेहनत कर ली है और शिकार लग चुका है एक पड़िंग। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा बड़ी साइज की लगे तो बेहतर है। ये देखिए हमारे एक मछली लग गई है। छोटी है, देख सकते हैं आप, हमारे ये मछली लगी है। छोटी मछली है, ठीक है। और हमारा ये स्पिनर मैंने चेंज कर चुका था मैं। स्पिनर ये भी मेरे पास नए आए हैं और इनको मैंने चेक कर लिया है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इनों के भी, देख सकते हैं आप, तब बेहतरीन हुक बैठे हैं। और इसको मैंने ब्लैक फ्री में तब्दील कर रखा है। ओह माय गॉड, ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने ब्लैक फ्री की तरह बना रखा है, इसमें फरवर वगैरह लगा रखे हैं अट्रैक्टिव के लिए। और ये हमारे लगी है अभी, देख सकते हैं आप। हेलो फ्रेंड, ये हमने आज फिश मारी है और मैंने आपको बोला था कि ऐसी जगहों पे ही आना चाहिए और जहाँ पर पत्थर हो वहाँ पर बहुत बेहतर रहता है मछली पकड़ना, और कैटफिश पत्थरों में ज़्यादा रहती है। और कैटफिश के लिए सबसे अच्छे ल्यूर जो होते हैं वो होता है ये स्पिनर, ये स्पिनर होता है, ये देख सकते हैं आप। और कई तरह के स्पिनर होते हैं, अच्छे वाले स्पिनर चलाओ आप, बेहतरीन रहते हैं। ये मेड इन फ्रांस का है, मैप्स का है, वर्ल्ड का नंबर वन स्पिनर है ये, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, मज़ा आता है इसको चलाने में भी और अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं इसके। और आप ये देख ही सकते हैं हमारे लटक रहा है स्पून, तो ये दो चीज़ें बहुत बेहतर होती है कैटफिश के लिए। और कैटफिश को ये देख सकते हैं आप, हमने ये पकड़ी है 3 कैटफिश और 1 स्नेक हेड। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं एक से एक नई नई वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाता रहूँगा।